إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم आम ويغفر لكم ذنوبكم ومن दुनू الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم फफ़न हर तरह की तारीफ़ व तोसीफ़ इज़्ज़त और बड़ाई व सबुआमी के लिए लायक और जेबा है जो सारे ज़हान का अकेला खालक़ है मालिक है हाकिम है राज़ है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और दरुद सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन महशर की हौलनाकियाँ इस नवान पर दो खुतबे इससे पहले हो चुके हैं जिसमें महशर के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं उसी सिलसिले का ये खुतबा भी है कि महशर का मंज़र कैसा होगा वहाँ लोगों के हालात कैसे होंगे महशर में कुछ लोगों को इज़्ज़त दी जाएगी और कुछ लोग जलील और रसुआ होंगे तो आज के खुतबे में मैं उन लोगों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा और रोशनी डालूंगा जो मैदान मशर में इज़्ज़त पाने वाले हैं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्लम हमें और आपको भी उन्हीं लोगों में शामिल फ़रमा दे जो मशर में इज़्ज़त पाने वाले हैंज्ज़ लोग हैं शहदतमंद हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया सूरत नमल के अंदर आयत नंबर नवासी में मनजा आबिलसनत फ़लहू खैरुम जो शख़्स नेकियां करता है तो क़यामत के दिन उसको उससे बेहतर बदला दिया जाएगा यानी इंसान जितनी नेकी करता है उस नेकी से कहीं ज़्यादा बढ़कर उसको बदला दिया जाएगा वहुम मिन फ़ैन या उमै और उस दिन की घबराहट से वो लोग महफूज रहेंगे अगर हम दुनिया में नेकी करेंगे तो क़यामत के दिन जो घबराहट होगी जो परेशानी होगी अल्लाह उस घबराहट से उस परेशानी से हमारी हिफाजत फरमाएगा कयामत का हौलनाक मंज़र कैसा होगा आप सबको मालूम है इससे पहले रोशनी डाली जा चुकी है अगर कोई शख़्स महफूज़ है उस घबराहट से अगर अल्लाह तबारक वाली ने आपको अमन में रखा है तो ये अल्लाह की तरफ़ से बहुत बड़ी निकी बहुत बड़ा इनाम है बहुत बड़ी शादतमंदी है तो हमें चाहिए कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा नकियाँ करें ताकि कयामत के दिन मशर के मैदान में उस घबराहट से अल्लाह तबारक तब को महफूज रखें सूरज बिल्कुल करीब होगा अल्लाह के अरश के साय के अलावा कोई साय नहीं होगा सात किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने तरश के सए में जगह देगा वो सात लोगों के तल्ल से तफसील से इससे पहले दो जुमा के ख़ुदबे में बात हो चुकी है सही बुखारी की हदीस है इसी तरीक़े से सुरंतरमिजी की हदीस है कि अल्लाह तबारक को ताला उस शख़्स को भी क़यामत के दिन अपने अर्श के साय में जगह देगा जो किसी कर्जदार को महलत देता है किसी तंग दस्त के साथ रहमो करम का मामला करता हज़रत अब हरण रज़ी अल्लान अदीस के रावी हैं कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मन सरमा अनुसरा अगर कोई शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत देता है अवआ लहू या उसके कर्ज को माफ़ कर देता है या उसके कर्ज में से कुछ हिस्से को माफ़ कर देता है अज़ल लहु मल्किया मत तहत आर्शही तो कयामत के दिन अल्लाह तबार व तआला उसको अपने अर्श के साए में जगह देगा यूमला जिल्ला इल्ला हो उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा दुनिया में कभी आपको कर्ज़ देने की ज़रूरत पड़ती है कभी कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई आपसे कर्ज लिया है और वो वक्त पर नहीं दे सका उसकी मजबूरी है तो उसके साथ सहूलत करना उसको मोहलत देना अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है और सामने वाला जो मकरूज़ है बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसका कर्ज़ माफ़ कर दें या कर्ज़ का कुछ हिस्सा माफ़ कर दें इसकी बड़ी फजीलत है अल्लाह के नबी नबीसम एक हदीस में फरमाते हैं कि एक शख्स लोगों को कर्ज़ दिया करता था और उसने अपने आदमियों से कह रखा था कि जब आप कर्ज़ वसूलने जाना तो सख्ती नहीं करना अगर वो वक्त पर दे देते हैं तो ठीक है नहीं तो मोहलत दे देना अल्लाह तबार को को उसका ये अमल इतना पसंद आया कि इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया आज कितने लोग ऐसे हैं किसी को कर्ज देते हैं और कर्ज वाला अगर वक्त पर कर्ज़ वापस नहीं कर पाया तो उसकी इज्जतों को नीलाम कर देते हैं उसको जलील कर देते हैं उसको रुसवा कर देते हैं कभी कभी मार पीट तक की नौबत आ जाती ग़लतियाँ दोनों तरफ़ से हैं कुछ लोग कर्जा वसूलने के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं ये भी नहीं होना चाहिए और कुछ लोग हैं जो हैसियत होने के बावजूद भी वक्त पर कर्ज़ वापस नहीं करते हैं। वो भी ग़लती करते हैं अगर किसी की नीयत है कि वो कर्ज़ वापस कर देगा वक्त पर तो अल्लाह के नबी ससरम फ़रमाते हैं कि अगर उसकी नीयत दुरुस्त है तो अल्लाह रास्ते निकालता है तो हमारी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए उसके बावजूद भी अगर कोई सबील नहीं पैदा हो सकी कोई रास्ता नहीं पैदा हो सका तो अल्लाह तबारक उसके लिए आ, आ, कोई दूसरा रास्ता निकालेगा इन इसी तरीक़े से एक और हदीस है अबू यूसर रजी अल्लाह रवायत करते हैं अल्लाह के नबीसम ने फ़रमाया मन अहब फ़ी जिल्ली जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन उसको अपने अर्श के सए में जगह दे फलीसरा तो उसको चाहिए कि तंग दस्त के साथ सहूलत करे तंग दस्त को मोहलत दे औ यज आलहू या उसके कुछ कर्ज़ को माफ़ कर दे या पूरे कर्ज को माफ़ कर दे सुनन अपने माजा की हदीस है अगर कोई शख्स मोहलत देता है या कर्ज़ को माफ़ कर देता है तो अल्लाह तबारक तआला उसको अपने अर्श के सए में जगह देंगे इसी तरीके से अगर कोई नेक अखलाक वाला है छः अखलाक वाला तो कयामत के दिन वो शख्स भी बहुत मुआज़ होगा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होगा हज़रत जाबिर तदीस के रामी हैं रसोल वसल्लम ने फ़रमाया किमत के दिन सबसे ज़्यादा मेरी निगाह में वो महबूब होगा वो मुआज़ होगा और क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब बैठने वाला वो शख्स होगा जिसके अखलाक बहुत अच्छे हैं अच्छे अखलाक पैदा करो आज हमारी लोगों की आदत है कि हम अखलाक की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए हमारा एक दूसरे से ताल्लुकात कैसे होना चाहिए हमारा एक दूसरे के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए हमारे एक दूसरे के साथ मामल कैसे होने चाहिए हमें हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते जबकि अल्लाह के नबी वसल्लम की एक हदीस है कि कयामत के दिन बंदों के अमाल में ईमान के बाद अगर सबसे ज़्यादा वज़नी कोई अमल होगा तो उसके अखलाक होंगे मेरे भाइयों आज मुसलमानों की पहचान बद अखलाक़ी से है आज मुसलमानों की पहचान बदजुबानी से है हम दूसरों के साथ अच्छे अखलाक़ से पेश नहीं आना चाहते दूसरों के साथ क्या हम अपनों के साथ बद अखलाक़ी करते हैं हमें चाहिए कि हम अच्छे अखलाक के हामिल बने जो आदमी अच्छे अखलाक वाला है दुनिया भी उसकी इज्जत करती है आप देखें कि जो लोग अच्छे अखलाक वाले हैं लोगों से अच्छे ताल्लुक़ रखते हैं लोग उनके साथ मिलना चाहते हैं उनके साथ उठना बैठना चाहते हैं उनके साथ गुफ्तू करना चाहते हैं उनके साथ मामला करना चाहते हैं जो बदजुबान हैं जो बद अख्लाक हैं जो बद किरदार हैं लोग उनसे मिलना नहीं चाहते उन बातचीत नहीं करना चाहते उनसे लेन देन नहीं करना चाहे उनसे मामलात नहीं करना चाहे तो अच्छे अखलाक वालों को दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आख़रत में भी इज़्ज़त मिलेगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सोन तिरमिज़ी की हदीस है कि कयामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स महबूब होगा जिसके अख्लाक सबसे अच्छे हैं और क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख़्स होगा जिसके अख्लाक़ सबसे अच्छे हैं इसलिए मेरे भाइयों दुनिया में भी इज्ज़त कमाने के लिए आख़रत में भी अल्लाह के नबी वसल्लम की सोहबत हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक की तरफ तवज्जो तो दें इसी तरीके से कुछ लोग साहबे हैसियत हैं अल्लाह है ने उनको माल दिया है अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें मालदार बनाया है लेकिन इसके बावजूद भी वो तवाज़ो की ज़िंदगी अख्तियार करते हैं खाकसारी की ज़िंदगी अख्तियार करते हैं उनका खाना पीना उनका लिबास उनका पोशाक उनकी गाड़ी उनके बंगले ये सब खाकसारी के मज़ाहिर हैं ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व क़यामत की दिन बहुत इज्जत देगा लेकिन मेरे भाइयों हमारा हाल क्या है हम हर चीज़ में ब्रांड के पीछे भागते हैं हमारा लिबास कैसा होना चाहिए आला क्वालिटी का ब्रांडेड हमारे चश्मे ब्रांडेड हमारा पेन ब्रांडेड हमारे जूते ब्रांडेड हमारी गाड़ी ब्रांडेड हर चीज़ को हम ब्रांड की तरफ क्यों हम समझते हैं कि इससे इज्जत मिलती है मेरे भाइयों इससे इज्जत नहीं मिलती है इससे इज़्ज़त नहीं मिलती है फौरी तौर पर लोग आपको आपको अच्छा समझेंगे कि बड़ा मालदार है इसकी गाड़ी बड़ी हाई फाई है इसके कपड़े बहुत हाई फाई हैं इसका रहन सहन बहुत हाई फाई है वक्ती तौर पर लेकिन अगर क़यामत के दिन हमको इज्जत नहीं मिल सकी तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का हाँ हम ये कह सकते हैं कि यह इज़्ज़त के लिए नहीं है ये लोगों के ऊपर इम्प्रेशन जमाने के लिए है इंसान ब्रांडेड कपड़े पहनता है ब्रांडेड गाड़ी में घूमता है ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करता है ताकि वो लोगों के ऊपर अपना इम्प्रेस कर सके और लोगों को बता सके कि मेरी हैसियत बहुत ऊंची है इससे इज्जत नहीं मिलती है इंसान के अपने दिल को सिर्फ सुकून मिलता है क्यों जब वो चलता है तो लोग उसकी तरफ देखते हैं जब वो चलता है तो लोग उसकी तरफ तवज्जो देते हैं जिससे आदमी को सुकून मिलता है कि लोग मेरी तरफ देखते हैं मेरे कपड़े ब्रांडेड मेरी गाड़ी ब्रांडेड मेरे हाथ चाल मेरी हर चीज़ ब्रांडेड मेरे भाइयों यकीनन अगर फजूल खर्ची नहीं है तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन तवाज़ो और ख़ाकसारी अल्लाह को ज़्यादा पसंद है पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तो मासी इबन अनस अजुहनी रज़ी अल्लाह तदीस के रवी है पैर नबी ने फरमाया मन तरक का लिबास तो ला जो शख्स अच्छे लिबास को ब्रांडेड लिबास को छोड़ दिया तो्ला ही अल्लाह की तवा अल्लाह के लिए तवाज़ो अख्तियार करते अल्लाह की खातिर अच्छे लिबास को छोड़ दिया अल्लाह के नबी ससरम फ़रमाते हैं वह हुआ यक दिर अलई वह अच्छे कपड़े पहनने का ब्रांडेड कपड़े पहनने पर कादिर था उसकी हैसियत थी उसकी क़ुत और ताकत थी दाल्लाऊ मियामत आला रूसल खलाय क्यामत के दिन अल्लाह तबारक वाल तमाम मखलूक के सामने उसको बुलाएगा तमाम मखलूक़ के सामने उसको बुलाएगा और कहेगा ये अहले ईमान के लिबास हैं इस लिबास में से जो तू चाहे पहन ले मेरे भाइयों महेश्वर के मैदान में सारे लोग नंगे होंगे मैंने बताया था इससे पहले नंगे बदन नंगे पैर ना किसी के पैरों में जूते और चप्पल होंगे और ना किसी के जिस्म पर कपड़ा और लिबास होगा हम दुनिया में कीमती लिबास पहन करके ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया कयामत के दिन जिसको इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा वो मोजज़ इंसान होगा अल्लाह तबारक वाली तमाम मखलूक़ात के सामने बुलाएगा और कहेगा कि अहिल ईमान के लिबास हैं इस लिबास में से तू जो चाहे पहन ले कितनी इज्जत मिलेगी कबल इसके की बात आगे बढ़ाऊँ मैं आपको एक बात बता दूँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छे लिबास पहनना ये कोई बुराई नहीं है मेरे भाइयों अगर अच्छे लिबास पहनने से आपके अंदर तकबर आ जाता है कीमती लिबास पहनने से आपके अंदर घमंड आ जाता है तो उस लिबास को छोड़ देना चाहिए हमारे बहुत सारे साथी हैं वो बताते हैं कि मैं पहले हमेशा अच्छे कपड़े पहनता था कीमती कपड़े पहनता था धीरे धीरे मेरे अंदर एहसास होने लगा कि मैं बहुत मुआजज़ हूँ मेरे कपड़े हमेशा ब्रांडेड रहते हैं मेरा दिल मोटा होने लगा मैंने मैंने वो कपड़े छोड़ दिए अब मामूली कपड़े पहनता हूँ नफ्स को मारना सीखिए ये मामूली बात नहीं है कुरान मजीद पढ़िए आप अल्लाह के नबी वसल्लम के अहदीस को पढ़िए कारून जिसके पास दुनिया के खजाने थे जिसके खजाने अथाह थे अल्लाह ताला ने उसके खजानों की मिसाल दी है वो ज़मीन में धंसा दिया गया जुर्म क्या था गलती क्या थी कभी आपने महसूस किया कुरान पढ़िए उसका जुर्म यही था कि वो कीमती लिबास पहना और कीमती लिबास पहनकर जा रहा था लोग उसकी तरफ देख रहे थे कारून ने सोचा कि आज मेरे लिबास सबसे ज्यादा कीमती हैं लोग मेरी तरफ देख रहे हैं उसके दिमाग में यह एहसास पैदा हुआ फख्र और गुरूर में मुबतला हो गया वही लिबास पहनने की वजह से उसके अंदर तकबर आया अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन में धंसा दिया आज तक धंस रहा है क़यामत तक धंसता रहेगा कभी आपने सोचा एक लिबास की वजह से इंसान ज़मीन में धंसा दिया गया अल्लाह ने मिसाल बयान की है कुरान में नबी ने मिसाल बयान की है हदीस में जो कपड़े हमें मकरूर कर दें जो कपड़े हमारे अंदर तकबर पैदा कर दें उन कपड़ों से हमें बचना चाहिए ब्रांडेड लिबास अगर हमारे अंदर तकबर और गुरूर पैदा करते हैं तो हमें उससे बचना चाहिए हैसियत होने के बावजूद तवाजो का लिबास पहनना ये अल्लाह को पसंद है और क़यामत के दिन ऐसे शख्स को इज्जत मिलेगी इसी तरीके से जो लोग वजू करते हैं वज़ू में अपने अज़ा को धोते हैं सर्दी है गर्मी है बारिश है लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हैं वजू करते हैं सुन्नत के मुताबिक वजू करते हैं ये कयामत के दिन उनके लिए शदतमंदी का सबब होगा अल्लाह के नबी सा फरमाते हैं मेरी उम्मत के आशाए वजू कयामत के दिन चमक रहे होंगे इंसान अपने चेहरे धोता है अपने हाथ धोता है अपने पैर धोता है कयामत के दिन इससे नूर फूट रहा होगा कयामत के दिन इससे रोशनी फूट रही होगी प्यार नबी सल असलम फ़रमाते हैं सही बुखारी की हदीस है हज़रत अब हर रज़ी अल्लाह हदीस के रावी हैं कहते हैं इन्नी समय तो रसोल सोल मैंने अल्लाह के रसोलसम को फरमाते हुए सुना इन उम्मती युदाऊना यौमल़ियामतुर्र महजली नवजो कयामत के दिन मेरी उम्मत को इस हाल में बुलाया जाएगा कि उनके वज़ू के असा चमक रहे होंगे उससे नूर फूट रहा होगा प्यारे ने फरमा फमानी सता अमिन कुमती फलियाल जो अपनी रोशनी को जो अपनी चमक को और बढ़ाना चाहता है उसको चाहिए कि वो ऐसा करे उसको चाहिए कि वो ऐसा करे चमक को बढ़ाना रोशनी को बढ़ाना महदसिन ने लिखा है कि ये दो तरह से होगा एक तो ये है कि आजाए वज़ू जहां तक धोने हैं उससे बढ़कर धोएं अब वजू में हम अपने हाथ को अपनी कोहनियों तक धोते हैं तो ये कोहनियाँ तक चमकेंगी बाज़ लोगों ने कहा है कि अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो कोहनी के बजाय मोढ़े तक धो लें तो हमारी चमक और बढ़ जाएगी या इसी तरीके से हम अपने आजा को मल मल कर धोएं आराम के साथ वज़ू करें आज बहुत सारे लोग वजू करते हैं पहली रकात छूटने नहीं ना पाए करके जल्दी से वज़ू करके आते हैं और जल्दी जल्दी वज़ू करने की वजह से कभी कभी उनके वजू के अज़ा सूखे रह जाते हैं एक दफ़ा एक जंग के मौका पर साहब कराम जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे थे जल्दी जल्दी वज़ू करने की वजह से उनकी एड़ियाँ सूखी रह गई हमारे नबी ने ऐलान किया वही वेल well है तबाही और बर्बादी है उन एड़ियों के लिए जो सूखी रह जाती हैं अगर आपके वजू के अजा भीगे नहीं सूखे रह गए तो आपका वजू नहीं हुआ और जब आपका वजू नहीं हुआ तो आपकी नमाज भी नहीं होगी आप एक रकात पाने के चक्कर में पूरी नमाज के सवाब से महरूम हो गए कितने लोग ऐसी गलतियां करते हैं हमें चाहिए कि यह पैर फैला के जो बैठते हैं सही नहीं है सुनत के खिलाफ है जुम्मे में अल्लाह जिला ख़ैर आप लोगों को तो ये हमें चाहिए कि इतमान से वज़ू करें और उसको पोछ पोछ करके करें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमनता अमिन को मायुतीफलिया जो शख्स अपनी रोशनी को अपनी चमक को और बढ़ाना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो ऐसा करे तो हमें चाहिए कि वज़ू इतमान के साथ करें इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन हर नबियों को एक एक हौस दिया जाएगा वो अपने उम्मतियों को उसमें से पानी पिलाएंगे। मेरे पास मेरी उम्मती आएंगे। मैं रहूँगा मेरे साथ अबू बकर और उमर फ़ारूक रहेंगे मैं अपनी उम्मतियों को पानी पिलाऊँगा और जो एक बार हौज़ कौसर का पानी पी ले जब तक वो जन्नत में नहीं पहुँच जाएगा उसको प्यास नहीं लगेगी तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल इतने लोग होंगे इतनी बड़ी जमात होगी सारे के सारे इंसान होंगे आप उनको पहचानेंगे कैसे तो आपने फरमाया कि उनके वज़ू के अजा चमक रहे होंगे मेरे भाइयों ये वजू जिनको जिनको हम मामूली समझते हैं ये वजू क़यामत के दिन हमारी इज्जत का सबब बनेगा चमक रहे होंगे यही पहचान होगी नबी के पास पहुँचेंगे कौसर का जाम पियेंगे जन्नत में पहुँचने तक दोबारा प्यास नहीं लगेगी मैं आपको यह भी बताते चलूँ कि जो विदाती हैं जो दीन में नए नए काम करने वाले हैं वो हौज़ कौसर से महरूम रहेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास कुछ लोग आएंगे लेकिन मैं देखूंगा कि फरिश्ते उनको ढकेल कर पीछे कर रहे हैं मैं कहूंगा, आने दो ये मेरे उम्मती हैं फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है आपके दुनिया से चले आने के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल कर दिया था नई नई बिदतें दाखिल कर दी थी प्यारे नबी फरमाएंगे वसु कन सुह कन लिमन गैर आबादे दूरी हो दूरी हो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था जो लोग बिदाती हैं जो नबी के दीन में बिदात का काम करते हैं क़यामत के दिन हौजिक कौसर से महरूम रहेंगे अल्लाह हम सबको बिदतों से महफूज रखे इसी तरह मेरे भाइयों कयामत के दिन अल्लाह तबारक वाली जिन लोगों को इज़्ज़त अ फ़रमाएगा वो वो लोग होंगे जो अज़ान देते हैं आज हमारे यहाँ हमारे माशरे में मोहजिन को बहुत गिरा हुआ समझा जाता है लोग उसको बहुत हकारत की निगाह से देखते हैं जबकि ऐसा नहीं है मोजिन का मकाम बहुत ऊँचा है अल्लाह के नबी सलीस फरमाते हैं मोहजिन की आवाज़ जहाँ तक जाती है जहाँ तक आवाज़ जाती है क़यामत के दिन वो तमाम मखलूक मोहजिन के हक़ में गवाही देगी कितनी बड़ी बात है मोहजिन की अज़ान सुन कर के जितने लोग नमाज के लिए आते हैं उन तमाम नमाजियों को सवाब मिलेगा उनका एक हिस्सा सवाब मोहजिन के हक़ में भी जाएगा क्योंकि मोहसिन ने आपको नमाज के लिए बुलाया है हया लल सलाह और नमाज की तरफ हया लल फ़लाह और कामयाबी की तरफ प्यारे नबी सल्ला वसलम फ़रमाते हैं माविया और रज़ी तु हदीस के रामी हैं आपने फर्मा अलमोअन अत वाह आना कनियउलियामा सरन माजा की हदीस है मोज़िन की गर्दन क़्यामत के दिन सबसे लंबी होगी ये गर्दन क़्यामत के दिन सबसे लंबी होगी ये इस बात की पहचान होगी कि ये आदमी मस्जिद में अल्लाह के लिए लोगों को बुलाया करता था अल्लाह के इबादत के लिए लोगों को बुलाया करता था आजान दिया करता था मेरे भाइयों मोज्रिन की इज़्ज़त करो मस्जिद से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स ये इसको कमज़ोर मत समझो इसको मामूली मत समझो आपने बारह सुना होगा वो औरत वो औरत जो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए बग़ैर सहाबा ने जब उसको दफ़न कर दिया आपने फ़रमाया कि तुमने उसको दफ़न क्यों कर दिया तुमने हमें बताया क्यों नहीं प्यारे नबी अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर गए और आपने उसकी खबर पर नमाज जनाजा पढ़ी मस्जिद से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स मामूली नहीं होता अरे मामूली तो वो है जो मस्जिदों से दूर है मस्जिद में खिदमत करने वाले चाहे वो इमाम हो महिन हो खादिम हो यहाँ तक कि मस्जिद का बैतुलखला साफ करने वाला मस्जिद का वज़ू खाना साफ करने वाला उस वो भी मामूली नहीं है उसका भी मकाम बहुत ऊंचा है क्यों वो अल्लाह के बंदों के लिए सफाई करता है वो अल्लाह के नेक बंदों के लिए सहूलतें फ्राहम करता है इसलिए मेरे भाइयों मस्जिद से जिसकी नस्बत जुड़ जाए वो जर्रा भी आफ्ताब हो जाता है तो कयामत के दिन अल्लाह तबार को तला मोजरीन के गर्दनों को ऊँची कर देगा इसी तरीके से जो लोग अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह तबार को तला क़्यामत के दिन उनको नूर के मंबर अता करेगा ये मेबर जो जो आजकल इज्जत का सबब है जो लकड़ी का होता है जिस पर खतीब खड़े होकर के खुतबा देता है जैसा कि मैं खड़ा हूँ ये मिंबर, ये ये इज्जत का सबब है ये ये मिंबर हर एक को नहीं मिलता है ये मुसल्ला हर एक को नहीं मिलता है क़यामत के दिन अल्लाह तबार को तआला तमाम मखलूक़ात के सामने अगर किसी को नूर का मिंबर अता करे वो कितना मुअज़्ज़ज़ इंसान होगा ये आप भी हासिल कर सकते हैं हम भी हासिल कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है अल्लाह के खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करना आप हमसे मोहब्बत करते हैं अगर आपको फायदा है फायदे के लिए मोहब्बत करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हम आपसे मोहब्बत करते हैं अपनी मफाद के लिए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं अल्लाह के लिए मोहब्बत करना अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करना प्यारे नबी वसल्लम फरमाते हैं इब्ने जबल रजी अल्लाह तैन हदीस के रावी हैं सही मुस्लिम की हदीस है खाल बजल अल्लाह तबारो को तला ऐलान करेगा अलमत नाफ़ी जलाली मेरी जलाल मेरे मेरे रोब मेरे गुस्से और मेरे डर से लोगों से एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लहु मना बिर मिन नूर उनके लिए नूर के मम्बर होंगे अल्लाह तुन को नूर के मम्बर अता करेगा नब शहदा वो नूर का मेंबर ऐसा होगा कि अंबिया और शहदा भी देख कर रश्क करेंगे माशा इसका मतलब ये नहीं कि वो नबी से भी ज़्यादा बड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो शहदा से भी ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन बड़े लोग जब किसी के ऊपर रश करें तो इसका मतलब उसका मकाम बहुत ऊंचा है और बड़े लोगों की आदत यह होती है कि लोगों को तरक्की करता हुआ देखते हैं तो खुश होते हैं उनके दिल में हसद नहीं होता जब आपको नूर का मिंबर मिलेगा जब हमको नूर का मिंबर मिलेगा तो अम्बिया रश करेंगे माशाल्लाह मेरा उम्मती है नेक काम करके आया है अल्लाह ने उसको इज्जत दी मेरे भाइयों जिस तरीके से एक शागिर्द जब वो कामयाबी हासिल करता है तो उस्ताद रश करता है और फख्र से का कहता है क्या कहता है ये मेरा तालब इल्म है ये मेरा स्टूडेंट है मैंने इसको पढ़ाया है फ्र करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो तालिब इल्म इल्माद से बड़ा हो गया बल्कि वस्ताद अपने तालिब इल्म पर रश्क करके ये बताता है कि ये हमारी तरबियत का नतीजा है जिस तरीके से एक बेटे की तरक्की पर बाप खुश होता है कहता है ये मेरा बेटा है मैंने इसकी तरबियत की है इसका मतलब ये नहीं कि बेटा बाप से बड़ा हो गया इसका मतलब यह है कि बेटे की तरक्की को देख करके बाप का सीना चौड़ा हो गया ये मतलब है कोई ये ना समझ ले कि अंबिया और शोहदा रश करेंगे तो इसका मतलब यह है कि अंबिया और शोहदा से भी ज्यादा मकाम इनको मिल गया ये बात हरगिज नहीं है इसी तरीके से क्यामत के दिन वो लोग जो इंसाफ करने वाले हैं हर मामले में आपके साथ कोई मामला औलाद के दरमियान इंसाफ करना एक से ज्यादा बीवियां हैं बीवियों के दरमियान इंसाफ करना अपने शागिर्दों के दरमियान इंसाफ करना जज है तो अपने जो उनके साथ जो मुजरमी हैं उनके मामला में इंसाफ़ करना हर एक के साथ इंसाफ करना कभी भी आपके पास कोई मसला आया इंसाफ़ के साथ अगर आप काम करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी दाहिनी तरफ नूर के मेंबर अता करेगा दाहिनी तरफ कुरान मजीद में कई मकाम पर अहबुलयमीन यमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया यमीन माने दाहिने वाले अल्लाह तबारक तआला दाहिने वालों का जिक्र किया तो जो दाहिनी तरफ रहते हैं उनका मकाम, दाहिनी तरफ का मसला भी बड़ा अहम है हर चीज़ में दाहिनी को बहुत अहमियत दी गई है आपको मैं बताते चलूँ जमनन ये बात आ गई है जब आप नमाज के लिए आते हैं पहली सफ़ में जो पहली साफ का स्वबाब है वह दूसरी सफ़ का नहीं हो सकता हम सबको मालूम है न पहली सफ में हाजिर होने वाले को जो सवाब मिलेगा दूसरी सफ में आने वाले को वो सवाब नहीं मिल सकता आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दाहिनी तरफ जो हैं उनको जो सवाब मिलेगा वो बाई तरफ वालों को नहीं मिलेगा अल्लाह के नबी ससरम की हदीस है एक ही जगह में एक ही मस्जिद में एक ही सफ में कितने ग्रेट हैं इसीलिए साहब कराम दाहिनी तरफ आने की कोशिश करते थे दाहिनी तरफ आना दाहिनी तरफ होना यह शहादतमंदी की दलील है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह तबार व तआला उन्हें नूर के मेम्बर अता करेगा और वो अल्लाह तबार व तआला के दाहिनी तरफ होंगे अल्लाह तबार व तआला के दोनों हाथ दाहिनी तरफ ही हैं सही मुस्लिम के हदीस है इसी तरीके से एक वो शख्स जिस, जिसका किसी से झगड़ा हो गया ताकत है कुत है बदला ले सकता है इंतकाम ले सकता है लेकिन इसके बावजूद भी वो इंतकाम नहीं लेता है अल्लाह के लिए जाने दो छोड़ देता है आज जो मजबूरी में छोड़ देते हैं वो अलग मसला है आपका किसी से इख्तलाफ हो गया आप पर किसी ने जुल्म किया आप उससे बदला नहीं ले सकते हैं और आपने उसको छोड़ दिया तो ये आपकी मजबूरी है ये सब्र है इसका बदला भी है लेकिन ताकत रखने के बावजूद इंतकाम लेने की ताकत रखने के बावजूद भी इंतकाम ना लेना यह और ज़्यादा सवाब का काम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल की हदीस है वहाँ से इबन जबल रजी अल्लाह हदीस के रावी हैं कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताली क़यामत के दिन ऐसे शख्स को बुलाएगा जो इंतकाम लेने की ताक़त रखता है लेकिन इसके बावजूद भी वो इंतकाम नहीं लेता है अल्लाह तबारक जन्नत की हगरों को उसके सामने पेश करेगा जन्नत की हूरों को उसके सामने पेश करेगा और कहेगा ये जन्नत की हुए हैं जिसके साथ तू चाहे शादी कर ले मेरे भाइयों आज दुनिया में लोग हसीनाओं के पीछे जमीलाओं के पीछे अपना ईमान और अकीदा ख़राब करते हैं अपनी जवानी बर्बाद करते हैं दुनिया और आखरत को तबाह करते हैं कयामत के दिन अल्लाह तबारक को जन्नत की हूरों को आपके सामने पेश करेगा जिसको चाहें आप अपना लें कितनी बड़ी शहादतमंदी होगी मेरे भाइयों हमें चाहिए कि इस्तात और ताकत रखने के बावजूद भी लोगों को माफ़ करना सीखें इंतकाम लेना ये बुजरी है और माफ़ कर देना ये बहादुरी है लेकिन आज कोई किसी को माफ़ नहीं करना चाहता अपने भाई को अपनी बहन को अपने रिश्तेदार को अपने दोस्त अहबाब कोई किसी को माफ़ नहीं करना चाहता माफ़ी की सिफत डालो मेरे भाइयों हम दुनिया में लोगों को माफ़ करेंगे अल्लाह हमको माफ़ करेगा इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस है मुसीबत जदा की मुसीबत को दूर करने वाला एक आदमी परेशानी में है बीमार है आदमी रास्ता जा रहा है उसको रास्ते में कोई परेशानी है आपने उसकी परेशानी को दूर कर दिया आपने उसकी परेशानी में, में उसकी मदद कर दी है किसी भी तरीके से हो सकता है मुख्तलिफ़ शक्लें इसकी हो सकती हैं एक आदमी बोझ लेके जा रहा है आपने उसका बोझ उठा करके उसके सर पर रख दिया अपने सर पर नहीं उसी के सर पर रख दिया आपने सहारा दे दिया कितना बड़ा सवाब का काम है लेकिन नहीं आज हम लोग सोचते हैं क्या हम उसका बोझ उठाएंगे क्या हम उसको सहारा देंगे हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे भाइयों, अपने नफ्स को मारो ये चीजें हमको मुतकबर बना देती ये चीजें हमको अल्लाह की रहमत से दूर कर देती मुसीबत जदा की मुसीबत को दूर करने ना किसी भी तरीके से एक परेशान आदमी है आप उसकी मुसीबत नहीं दूर करते आप उसको हिम्मत दे दे सिर्फ और मैं कहता हूं आज के जमाने में लोगों को हिम्मत की जरूरत है एक परेशान आदमी है आप उससे जाए नहीं परेशान अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा पहले तो अल्लाह है उसके बाद हम हैं आपके साथ में आप परेशान ना हो आप परेशान ना हो यकीनन अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा आपका ये छोटा सा जुमला उसको कितनी हिम्मत देता है आप सोच नहीं सकते जब हम मुसीबतों में पढ़ते हैं और कोई हमारे साथ ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है तब हमें कितनी हिम्मत मिलती है वल्लाफियाओं ने लाबदी माकान का नब्दुफ़ियाओं अख़ी जब आदमी अपने भाई की मदद करता है अल्लाह भी उसकी मदद करता है क़यामत के दिन अल्लाह इस शख्स को इज़्ज़त देगा तंगदस्त मकरूज़ को मोहलत देना जैसा कि मैंने बताया वो मजबूर है उसके पास नहीं है आपने मोहलत दे दिया या कुछ माफ़ कर दिया या पूरा माफ कर दिया अल्लाह तबार को आपको इज्जत देगा किसी के आएप पर पर्दा डाल देना एक आदमी है उससे कोई गलती हो गई हमें क्या करना चाहिए हमारा काम क्या है हमारा काम है उसको छुपा दें लेकिन हमारा हमारा काम इसके बरक्स होता हम किसी की कमजोरी को जब जान जाते हैं तो लोगों में पता मालूम है फला आदमी ऐसा किया है आपको मालूम पड़ा उसने ऐसा किया है, हाँ। हैं यह है हमारी हालत हम लोगों की बुराइयाँ बयान करके अपने आप को नेक साबित करते हैं लोगों की बुराइयाँ बना करके हम अपने आप को नेक नहीं बना सकते हैं लोगों के अयूब पर पर्दे डालें लोगों की कमजोरियों पर पर्दे डालें हम लोगों के आएब और लोगों की कमज़ोरियों पर पर्दे डालेंगे कयामत के दिन अल्लाह ताला हमारे आय पर पर्दे डाल देगा हमारे गुनाहों पर पर्दे डाल देगा मेरे भाइयों हम पर्दा डालना सीखें इतनी बड़ी जमात बैठी है कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं गुनाह नहीं करता हूँ कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ मेरे अंदर दस बुराइयाँ होंगी आपके अंदर भी आठ बुराइयाँ होंगी हम आपकी बुराइयों पर, पर पर्दे डालें आप हमारी बुराइयों पर पर्दे डालें फ़ायदा क्या होगा क्यामत के दिन अल्लाह तबार को ताला हमारी सारी बुराइयों पर पर्दे डाल देगा कितना कितना सवाब का काम है लेकिन नहीं हम लोगों को जलील करना अपनी इज़्ज़त समझते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबार व तआला क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ जो ताउन किया है अल्लाह व तआला इसको इज्जत का और इसको शादतमंदी का ज़रिया बनाए अल्लाह हम सब को क़ैमत की होलनाकियों से महफूज़ रखे अल्लाह हम सब को बनाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे ख़ात्मा हो तो ईमान बिलखैर पर हो रबना तो कब्बल मन्ना इन का अन وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين امين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. فأعوذ بالله السَّمِيلَ العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة